आज हम बात करेंगे दोस्तों MI का फ़ोन 5A LCD लाइट सेक्शन के बारे में कि हमारा LCD लाइट सेक्शन किस प्रकार से काम करता है। तो ये हमारा बोर्नियो का सिस्टमेटिक डायग्राम टूल है और ICU के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये हमारा CPU है, ये हमारा EMMC है, ये हमारा पावर IC है जिसे PMI भी बोलते हैं। ये हमारा LCD का कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर है, ये हमारा BQIC जिसे DC-to-DC कन्वर्टर IC बोलते हैं, ये हमारा चार्जिंग फ्लक्स केबल है, ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। तो हमें नेटवर्क सेक्शन के बारे में नहीं जानना है, हमें जानना है कि हमारी LCD लाइट किस तरह से वर्क करती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी किस तरह से LCD लाइट वर्क करती है। तो LCD लाइट वर्क करने के लिए सबसे पहले हमारा बैटरी जब कनेक्ट होता है फ़ोन से तो VPH पावर जनरेट होता है, VPH पावर वोल्टेज जनरेट होता है जो कि हमारा जनरेट होता है DC-to-DC कन्वर्टर IC से, जिसे हम BQIC बोलते हैं। ये MI5A में BQIC यूज होता है। तो हमारा जनरेट होता है, यहाँ से ये कॉइल लगा हुआ है, कैपेसिटर है, यहाँ से होते हुए ये सीधा हमारा लाइट सेक्शन को आ जाता है। लाइट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कंडेंसर लगा हुआ है, कैपेसिटर जिसे बोलते हैं, ये हमारा बूस्ट कॉइल है जो कि वोल्टेज को बूस्ट करता है। यहाँ पर हमारा 3.7 वोल्ट आता है जिसे बूस्ट करके समथिंग 6 वोल्ट से 22 वोल्ट यानी 22 वोल्ट के आसपास ये जनरेट करता है। और ये हमारी लाइट IC है, ये हमारा डायोड लगा हुआ है, ये डायोड पे वोल्टेज यहाँ पे हमारा आता है बूस्ट होके, दूसरे सिरे से ये पास होता है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, ये हमारा VPH पावर लाइन है 3.7, जैसा कि मैंने बताया BQIC से ये हमारा आता है, ये हमारी BQIC है। जैसे ही हमारा वोल्टेज बैटरी कनेक्टर से बैटरी कनेक्ट होता है वैसे ही हमारा ये वोल्टेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। यदि हमारा ये 3.7 वोल्टेज जनरेट नहीं होता है तो हम BQIC को चेक करेंगे, यदि ये हमारा कार्य करता है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे आएंगे हम तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस होते हुए ये बूस्ट कॉइल से सीधे हमारी IC को चला जाता है, यहाँ पे IC पे आता है, IC के 6 नंबर पिन पे हमारा वोल्टेज इन होता है और जो बूस्ट होके वोल्टेज हमारा बनता है वो 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे हमारा ये PWM आउट जो कि हमारा सिग्नल होता है जिसे हम EN सिग्नल बोलते हैं, EN सिग्नल वोल्टेज बनता है। EN सिग्नल कहाँ से बनता है हमारा, EN सिग्नल वोल्टेज हमारा पावर IC से बनता है, पावर IC के ही बगल में हमारा रेजिस्टेंस लगा रहता है, इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे, यदि हमारा ये EN सिग्नल बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम यहाँ से अपना कंटिन्यूटी मीटर द्वारा चेक करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है ये लाइन डायोड के एनोड लाइन पे, जो कि एनोड लाइन ये है हमारी LED एनोड लाइन, ये 16 नंबर पे, ये वोल्टेज हमको 6 वोल्ट से 22 वोल्ट समथिंग 25 वोल्ट 35 36 वोल्ट के आसपास भी ये आता है, हमें इसको चेक करना है। ये लाइट जो हमारी वोल्टेज है ये डायोड से, यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ है, ये डायोड के एनोड लाइन है, यहाँ से हमारा वोल्टेज बूस्ट होके जो यहाँ पे 20 वोल्ट है 6 वोल्ट से 25 28 समथिंग वोल्ट, ये यहाँ से हमारा कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए लगा रहता है, यहाँ से रेजिस्टेंस होते हुए ये हमारी सीधे एनोड लाइन पे आ जाती है। यदि हमारा वोल्टेज, अब यहाँ पे गौर करने की बात ये है, चलिए एनोड लाइन को आपने समझ लिया, अब हम कैथोड लाइन को समझाते हैं। ये हमारा कैथोड लाइन है, कैथोड लाइन ये 18 और 19 नंबर पिन को टच करता है, और बहुत से भाइयों का कन्फ्यूजन होता है ये कि वो करते क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर जो लगा रहता है वो शॉर्ट बताता है तो इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कैथोड जो है ये माइनस लाइन है, माइनस वोल्टेज है, जो डिस्प्ले लाइट जलाने के लिए माइनस वोल्टेज है, ये कंडेंसर लगा होता है जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर फिल्टर करता है वोल्टेज को, फिल्टर करता है ताकि इसमें कोई ख़राबी ना हो, इसलिए ये माइनस से ही कनेक्ट होता है, इसलिए आप इसको निकालें ना, ये शॉर्ट बताएगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और ये
कैथोड लाइन हमारी लाइट आईसी के पिन नंबर 1 से जुड़ी होती है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे ग्राउंड किया रहता है। इतना हमको चेक करना है। इसके बाद ये सारे कंटिन्यूटी ओके होने के बाद भी यदि हमारा वोल्टेज नहीं बनता है या हमारी एलईडी लाइट नहीं जलती है ईएन सिग्नल के बाद भी, तो हम सबसे पहले बूस्ट कॉइल को चेंज करेंगे। बूस्ट कॉइल की चेकिंग मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, और आप यदि चाहते हैं सिस्टमेटिक के बारे में नॉलेज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत ही जल्द हम अपग्रेड करने वाले हैं बोर्नियो सिस्टमेटिक के बारे में, जिससे हमारे पास जो भी जानकारी रहेगी वो हम आप तक शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी बूस्ट कॉइल पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, नहीं बनता है तो बूस्ट कॉइल चेंज करेंगे, ये डायोड चेंज करेंगे, लाइट आईसी चेंज करेंगे, और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कोई हमारे इस वीडियो से हेल्प मिलता है तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।